आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर। योगी के मंत्री का दावा, ऐसा हुआ तो जनेऊ धारण कर राम नाम जपेंगे ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख ने किया पलटवार। वरुण गांधी ने फिर घेरा, बोले रात में कर्फ्यू लगाना, दिन में रैली करना ये समझ से परे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज, घर पर चौथे दिन भी डीजीजीआई टीम की छापेमारी जारी, अब तक 50 करोड़ नकदी, कई किलो सोना बरामद। अगले 24 घंटे में लखनऊ सहित यूपी के 20 शहरों में होगी बारिश और ओले भी गिरेंगे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अब खबर आगरा के बिल्लौचपुरा लोहा मंडी से है, जहां पे आरएसएस कार्यालय पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए हमला कर दिया है। इस दौरान हमलावरों ने आरएसएस कार्यालय में घुसकर स्वयं सेवकों पर हमला किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके बाद कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। इस दौरान एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो समुदाय विशेष लोगों के प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है, आगरा से खबर सामने आ रही है, आरएसएस कार्यालय से ये खबर है, जहां पे हमला किया गया है। आरएसएस कार्यालय में घुसकर स्वयं सेवकों पर हमला किया गया है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और एसएसपी ने मामले की जानकारी दी और साथ ही आश्वासन भी दिया कि जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो समुदाय विशेष के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा से ये खबर सामने आ रही है, आगरा के बिल्लौचपुरा लोहा मंडी से ये खबर है, जहां आरएसएस कार्यालय पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने आरएसएस कार्यालय में घुसकर स्वयं सेवकों पर हमला किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए और पुलिस ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। तो आगरा से ये खबर है, जहां विशेष समुदाय के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आरएसएस कार्यालय का घेराव किया गया, हमला किया गया, पथराव किया गया, प्रदर्शन किया गया और साथ ही अब मांग करी जा रही है न्याय के लिए। जिस तरह से हमलावरों ने आरएसएस कार्यालय में घुसकर स्वयं सेवकों पर हमला किया है, इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा के लिए तैनात है। इस दौरान एसएसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। तो आगरा से ये खबर है, जहां समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया है, काफी हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस को तैनात करना पड़ा। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन के साथ साथ पथराव भी किया, अपनी मांगों को लेकर आरएसएस कार्यालय का घेराव कर वहां पे हमला भी किया। समुदाय विशेष के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है आगरा के बिल्लौचपुरा लोहा मंडी में, जहां आरएसएस कार्यालय पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए हमला कर दिया। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश का पालन हुआ है। परशदेवपुर में उसी जगह पर जिले के अधिकारी पहुंचे, जहां के लिए स्मृति ईरानी ने निर्देश दिया था। आम लोगों की फरियाद सुनकर तुरंत निस्तारण दिया गया है। इस दौरान फरियादियों की शिकायत पर आला अधिकारी लोक सेवक की भूमिका में नजर आए। स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर थी, जहां परशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर उन्हें आवास और पेंशन समेत कई शिकायतें मिली, जिसका निवारण करने के उन्होंने निर्देश दिए थे। के दिशा निर्देश पे नगर पंचायत परसदेपुर में 26/12/2021 में एक भव्य
कैंप का आयोजन किया गया। दीदी द्वारा दिया हुआ निर्देश हमारे माननीय हमारे डीएम साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब और जिले के आला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीडीओ साहब एंड हमारे शिक्षा विभाग से कुछ अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग से थे, सीएमओ साहब थे और रेडियो साहब थे। सब ने बड़ी मेहनत के साथ जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। 50% निस्तारण स्थान पे हो गया। 50% निस्तारण जैसे कि आवास की जांच मंगलवार 28 तारीख से हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब ने यही कहा कि 28 तारीख से मैडम विभा जी को आदेश दिया कि 4 लेखपाल इनको दिया जाए और 4 स्टाफ हमारे डूडा विभाग से आ रहे हैं और 4 स्टाफ हमारे नगर पंचायत से होंगे, एक साथ तीनों जांच हो जाए। जिससे खबर संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र के खिरनी पुलिस चौकी से है, जहां पे सिपाही पर पीड़ित से रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। समन कराने के बहाने सिपाही ने चौकी पर बुलाकर छोड़ने की एवज में 20,000 मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर रुपए लेकर छोड़ने की जानकारी जैसे ही भाजपाइयों को मिली, उन्होंने पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा किया। मिर्जापुर में घर के सामने खेल रही 5वीं की लापता छात्र के साथ अश्लील हरकत करने के बाद बदमाश ने गला कसकर उसकी हत्या कर दी। घर के सामने से खेलते समय बालिका का शव आधी रात को घर के पास मिला। मौके पर पहुंची डीआईजी एसपी ने दल बदल के साथ निरीक्षण किया और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए जुटी। बालिका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का मोहल्ला में एक बालिका के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मुझ पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि मृत बालिका सायंकाल घर के बाहर खेल रही थी। घर न लौटने पर परिवारजनों द्वारा खोज की जाने लगी कि रात लगभग 11 बजे घर से 15-20 मीटर दूर बालिका मृत अवस्था में मिली। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट व पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कल एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, गोविंद मौर्या जी की। कितने साल की थी? 9 साल की थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी। कल 4 बजे यहीं जो है कि खेल रही थी और खेलते खेलते वो गायब हो गई। उसकी माँ काफ़ी खोजबीन की, लगभग 7-8 बजे तक हमें पता मिला, तो हम भी प्रयास किए खोजे उजे और खोजते खोजते हम लोग विंध्याचल तक पता किए उसके ननिहाल तक। फिर वहाँ से जब वापस आए तो लगभग 11:10 के आसपास यहीं दरवाजे पर उसका बॉडी यहाँ पर फेंका गया। गला एकदम कसा हुआ था, रस्सी लगा था उसमें और उसके गाल पर जो है कि दांत से काटा हुआ था। खबर आगरा के खंदौली थाने से है, जहां हिंदू महासभा की सूचना देने के बावजूद गाय और गौवंशों से भरी कंटेनर रोकने में असफल रही पुलिस। जहां पुलिस को देखते ही यमुना एक्सप्रेसवे फराटा भरते हुए टोल बैरियर तोड़ते हुए तस्कर मथुरा की सीमा में घुस गए, जिसके बाद गौ रक्षा के लिए समर्पित हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जान पर खेलकर तस्करों को राय क्षेत्र में दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। रौनक ठाकुर, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा। आज हमें सूचना मिली कि आगरा के रास्ते वृंदावन मथुरा होते हुए गोवन से भरा हुआ एक कंटेनर जाएगा विवाद के लिए, तो हमने सूचना पर कार्य किया और इसकी सूचना हमने अपने एहतमाद पर कलेक्शन चौकी को दे दी। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ के जो जीप के चालक थे, वो हमारी गाड़ी से स्वयं पीछे थे। उन्होंने कोई भी कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई, वही उन्होंने टोल तोड़ते हुए खंदौली टोल भी तोड़ दिया। उसके बाद राया कट पे गाड़ी को छोड़ के भागे या मथुरा के अंदर राया में वो गाड़ी पकड़ी गई, जहां 21 गौवंश उसमें बरामद हुए, एक गौवंश की मृत्यु हो गई। हम शासन और प्रशासन से कहना चाहते हैं, हमारी सूचना के बाद भी पुलिस तत्पर पहले नहीं आती है और उसके बाद तो कहती है कि हमें सूचना नहीं देते, तो ऐसी पुलिस को सूचना देने का कार्य हिंदू महासभा क्यों करे जब आप उस पर। मामला रायबरेली के उचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां छात्रा ने झोला छाप डॉक्टर समेत उसके साथियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद छेड़छाड़ करने वाले युवकों ने
छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को बुरी तरह पीटा, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पीड़िता के पिता का कहना है कि छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनेश कुमार पाठक, क्या मामला हुआ है? मामला ऐसा था सर कि मेरा लड़का नहा धो के घर पे बैठा था और इटली से 6 गुंडा डॉक्टर ने बुलाया जो मेरे चौराहे पे, और धोखे से मेरे लड़के को फ़ोन किया, और मेरा लड़का और सतीश नाम का एक हरिजन है, वो दोनों गए, दोनों को बुलाए, और जैसे वो लोग पहुँचे वहाँ पे चौराहे पे 6 जो बाहरी गुंडा थे मिलकर मारने लगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम संगम मिश्रा। थाने में एफआईआर दिया तुमने? अभी नहीं सर, तब तक तो इतना इसका तबीयत खराब हो गई कि बेहोश हो गया तो मैं यहाँ लेके आ गया। कितने बजे की बात है? और इसके बाद जब हम तो घर पे थे भी नहीं साहब, मैं थोड़ा दूर था और बेटी ये थी, ये भाग के गई, तो पहले इसको 6 मिलके मारे, और इसको साहब एक और ये 6 लड़के डेली ये कोचिंग करती है कंप्यूटर क्लास से CCC की, जब घर से निकलती है तो वो लोग अक्सर उमरन से और परसी को चौराहे पे आज 1 महीना से छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या नाम है जो मारा है? नीरज का नाम है भैया? संगम। और उनके मामा का नाम है? नीरज। फिरोजाबाद में अनुसूचित मोर्चा के जिला सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर मोर्चा के पदाधिकारियों और भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुराने बस स्टैंड प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित अनुसूचित मोर्चा के जिला सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पदाधिकारियों और भाजपाइयों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं के अलावा जिला स्तर के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग निकले 17 में भी मैं यात्रा लेकर निकला था, परिवर्तन यात्रा लोग निकले थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और आह्वान किया था गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। फिरोजाबाद में नगर विधायक मनीष असीजा की ओर से सत्कार टॉकीज के पास बालकिशन गुप्ता के बागीचे के सामने से कोटला रोड बंबा चौराहे से चनौरा तक 3.5 किलोमीटर लंबी करीब 22 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क को 4 लेन बनवाए जाने के लिए सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। खबर देवरिया से है, जहां पर बरहज विधानसभा से भारतवासी के प्रत्याशी त्रिलोकी वर्मा ने रैली के माध्यम से लोगों से वोट मांगा। वो सरकार की कमियों को गिनाते हुए भलुआनी चौराहे से होते हुए बरहज विधानसभा तक लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही क्षेत्र की जनता से मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। हम लोगों का पार्टी है भारतवासी पार्टी, हम लोग उन 85% दबे कुचलों लोगों की बात करते हैं जिनको वोट के लिए आगे तो किया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ ठगी भी किया जाता है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि मेरे हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जला दिए हवाओं के। महोबा में नगर पालिका ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक मुस्लिम जोड़ा समेत 15 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। इस विवाह समारोह में सदर विधायक राकेश गोस्वामी सहित नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने नव दंपत्ति जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष दिलाश सौरभ तिवारी ने बताया कि सातवीं बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी धूमधाम से कराई जाती है। बिल्कुल, ये जैसा आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, हमेशा नगर पालिका ये सातवीं बार विवाह समारोह करने जा रही है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है जिसके तहत हम ये विवाह समारोह रख रहे हैं। इसमें हमारे पूरे 15 जोड़ा हैं, इसमें एक मुस्लिम जोड़ा है, जो कि मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये योगी जी हो या मोदी जी, जातिवाद का ज़्यादा नारा लगाते हैं सभी
विपक्षी, तो इसमें आप खुल के देखते हैं कि साथ हमारे यहाँ जो सातवां ये विवाह समारोह है, और मुझे लगता है हर विवाह समारोह में कभी मुस्लिम जोड़ा एक होता है, कभी दो हो जाता है, कभी तीन हो जाता है, लेकिन इसमें हमने कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का निर्देश है कि जैसे एक पंडित को बुलाकर हम भावरे कराते हैं अपनी जोड़ों ये हिंदू जोड़ों की, उसी तरह हम मौलवी को भी, आप हमारे साक्ष है, आपने सामने देखा भी है कि मौलवी को बुलाकर बाकायदे हम जो मुस्लिम जोड़ों की विवाह समारोह होता है उसी तरह से उन्हीं रीति रिवाजों के तहत मैं उनका विवाह करा रही हूँ। बिल्कुल, ये जैसा आप। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।